आज का शुभ संदेश सामाजिक चेतना कैसे जगावे। सामाजिक चेतना का होता है सोशल कॉन्शियसनेस, कि लोगों के अंदर जागृति पैदा हो कि हम भाई भाई हैं, हमारे बीच में भाईचारा होना चाहिए, हमारे बीच में भातृत्व भाव होना चाहिए, हमारे बीच में शांतिपूर्ण से अस्तित्व होना चाहिए, हमें एक दूसरे से काम में दखल नहीं करनी चाहिए, हमारे बीच में प्रेम होना चाहिए, सौहार्द होना चाहिए और हमारे भीतर प्रसन्नता के भाव आने चाहिए, आनंद के भाव आने चाहिए और इसी से हमारी सामाजिक चेतना जागृत होती है। सामाजिक चेतना का फलित यह है कि राम राज्य का आ जाना, सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में अपना जीवन यापन करें, खुशी खुशी सुखी सुखी रह करके वो जीवन यापन करें और किसी व्यक्ति को शिकायत गिला ना हो, वह जो है सामाजिक चेतना कहलाती है। तो ऐसी चेतना को जागृत किया जाना चाहिए, ऐसी चेतना को जागृत करने वाले लोग परार्थी कहलाते हैं। परार्थी वह होता है जो कि अपना स्वार्थ की पूर्ति करने के बाद, यानी उसके परिवार है, शरीर है, उनका भरण पोषण करता है, तो वो भरण पोषण करने के बाद जो उसके पास में अतिरिक्त बचता है वह लोगों की भलाई के लिए लगावे, वो समाज सेवा के अंदर लगावे, वो परोपकार की भावना में लगावे, वो जगत कल्याण की भावना में लगावे। तो इसी तरीके से जो है हमारी सामाजिक चेतना है जागृत होती है, उसका संचार होता है और उसका ऊर्ध्वगमन होता है। लोग सभी धीरे धीरे नकारात्मक भावों को छोड़ के सकारात्मक बनते जाते हैं, लेकिन चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, यह कार्य हमें प्रारंभ हमें करना पड़ेगा। हम जो है वो बदल के बताएंगे, लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करके बताएंगे तो लोग जो है स्वतः ही जो है वो व्यवहार की उपयोगिता को समझेंगे और वो भी आगे से आगे अच्छा व्यवहार करते चलेंगे। एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा। तो उसको एनवायरनमेंट को बनाने के लिए हमें सामाजिक चेतना का संचार करना पड़ेगा।